और आर्यन नॉन साइकिल पे शायद आर्यन नाम है उनका। आर्यन पहली गेंद सामना करेंगे रोशन। अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान दिया, एक सिंगल रन आसान। विकेट के संभाल के खेलना चाहेंगे राहुल, ऐसा लग रहा है। कोई आक्रामकता दिखाने की जरूरत नहीं है। आर्यन एक रन लेना चाह रहे थे पर कनेक्ट नहीं कर पाए। क्लीन बॉल, आउट हो चुके आर्यन। टर्न हुआ जैसा बोल ऐसा लगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप ज्यादा ओवर डिफेंसिव खेलने के लिए जाते हो ना, तो आप आपका नेचुरल गेम जो है उसके विपरीत कुछ करने जाते हो, और उसका जो खामियाजा आपने देखा अभी, तो मेरे ख्याल से नेचुरल गेम खेलना और उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। ओवर डिफेंसिव में आप अपना विकेट लूज कर लेते हैं। बहुत ही सही फरमाया राहुल आपने, यही होता है। रोशन रेडी, बिल्कुल सीधे पल्ले से गेम को अच्छी तरह मिडल करके आसान सा सिंगल चुराया उन्होंने। और मेरे ख्याल से ओवर हो चुकी है यहाँ पर। एक ओवर के पश्चात केवल तीन रन, मात्र तीन रन, और नए गेंदबाज उनका नाम है तीर्थ। उन्होंने जर्सी पे कुछ अलग ही लिखा हुआ है पर उनका नाम है तीर्थ। सामना करेंगे रोशन रेड्डी। बिल्कुल वेट किया राम, बहुत धीमी गेंद थी तो वेट किया बैक फुट पे, बॉल को अच्छी तरह देखा और ग्लांस किया गैप में एक रन के लिए। सीमा रेखा के बाहर नहीं है गेंद, चार रन। बिल्कुल सही कहा, फील्डर बने दर्शक, केवल देखते ही रह गए वो। और जब उनको कुछ पता चला तब तक तो बाउंड्री मिल चुकी थी, इतनी तेजी से मारा था। क्या बात है, रोशन डिफेंस में खेल रहे, मेरे ख्याल से कुछ गेम प्लान है रामिन का, शायद दो तीन ओवर सेटल होने के बाद अपना बल्ला खोलेंगे। गुड रनिंग टाइप पे एसबी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल अपसेट करता है बॉलर को, बॉलर अपने रिदम में सेट नहीं हो पाता। दो ओवर समाप्त, दो ओवर के बाद स्कोर हुआ है 12 रन, 6 की औसत से अपनी रनों को आगे बढ़ाते हुई बल्लेबाज की टीम। सामना करेंगे रोशन, बढ़िया ग्लांस इन द गैप, इजी सिंगल स्ट्राइक पे एसबी। Yeah.
ओ माय गॉड, लुक एट द डाइव, ये एसबी क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद ऐसा लग रहा था कि ये खुद से आउट होना चाह रहे हैं। उन्होंने देखा वहां पर रोशन वहां पर डाइव मार के 45 डिग्री में उनकी बॉडी है, फिर भी यहां से भाग रहे हैं। नतीजे स्वरूप विकेट देना पड़ा उनको, कोई जरूरत नहीं थी राम। और रोशन भी आज मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा उनका फॉर्म मेरे ख्याल से और कुछ ओवर एक टिक जाता है तो उनको गेंद बल्लेबाज फुटबॉल की तरह गेंद दिखेगी। फिलहाल तो सिंगल से ही अपना टीम का स्कोर बढ़ाते हुए यही होता है राहुल, जब आप रन लेने की जल्दबाजी दिखाते हैं। रिस्की रन था, सुसाइड रन था। भाग्या मेहता चलिए
काफी अच्छी रनिंग। मोक्ष जैसे मेरी गो राउंड में हम लोग भाग कर वैसे गोल गोल भाग कर रन कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छी बल्लेबाजी मोक्ष की, एकदम सतर्क और फोकस, पूरा फोकस उनका गेंद पे। नए बल्लेबाज आरव ऑन स्ट्राइक। आरव जब तक गेंद जो है ना राम स्टंप को क्रॉस नहीं करती तब तक रोशन पहुंच जाते हैं यहां पर। चीते की तरह दौड़ लगाते हैं रोशन, और ये रोशन क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। अब की बार आरव ने पूरा दम लगाया, राहुल वो आ चुके हैं क्रीज में। नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पे आना होगा, आरव रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पे। बल्लेबाज भव्य बहुत ही बढ़िया शॉट, जिस गति से आरव भाग रहे हैं राहुल सही में काबिले तारीफ, उनकी एनर्जी देखते ही बनती है। थोड़ा मिस कर गए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। स्कोर बनाया है। जी वहां पर मुस्कुराते हुए बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर, और मैं अनुरोध करूंगा गीता जी से, पर वो आ नहीं रही है कॉमेंट्रेटर टीम की हिंदी की, अगर मैं तारीफ करूं गीता जी की, माइंड ब्लोइंग हिंदी बोलती है, और ये बिल्कुल झूठ है जो मैं कह रहा हूं। गीता जी कैसे हो आप? गीता जी राहुल हर एक इवेंट में एक्टिव रहती है। बिल्कुल यार, उनका कंट्रीब्यूशन जो है ना वन साइड कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो ज़्यादा ऑन स्टेज आना पसंद नहीं करती, बैक स्टेज में अपना काम करके बैठती है। तो थैंक यू गीता, योगदान है उसके लिए, धन्यवाद। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा गीता जी का योगदान, बहुत ही जबरदस्त लेडी। जी बिल्कुल सही कहा, आयरन लेडी मैं कह सकता हूँ उनको, मेंटली और बहुत ही मजबूत है। मैं कमेटी में उनके साथ काम कर चुका हूँ राम, आई रियली अप्रिशिएट गीता जी।
कीप अप द गुड वर्क। गुड रनिंग कंप्लीट किया एक रन। रणवीर ऑन स्ट्राइक, बहुत ही फेमस नाम है इनका रणवीर। बहुत ही अनफेमस तरीके से विकेट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पर आरंभ की उन्होंने, मजबूर किया बैट्समैन को लॉफ्ट में खेलने के लिए और परिणाम स्वरूप आउट हो गए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज है यश, सामना करेंगे आरव का। क्या बात है, और कबीर की यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, जोरदार तालियां हो जाए नन्हे मुन्ने कबीर के लिए। अच्छी फील्डिंग कर रहा है। अच्छी फील्डिंग वहां पे। कोई जरूरत नहीं यहाँ पर ओवर थ्रो करने की, समझ में आ रहा है रन कंप्लीट होने के बावजूद भी क्यों थ्रो करने की आवश्यकता होती है, इनको एक्स्ट्रा रन मिल जाता है सामने वाली टीम को। फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग की वहां पर मोक्ष ने। पहले ही पूछ लो पथिक भाई, इधर केक वेक पहले ही आ जाना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। उसी बीच बताना चाहूंगा दिगंत, दिगंत का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिगंत भाई आपको। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे दिगंत, आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहे, नॉट इवन हर जगह क्रिकेट के क्षेत्र में तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स से आपको, हार्दिक बधाई दे रहे हैं हम आपको जन्मदिन के इस अवसर पर। गेम में वापस आते हैं, राम प्लीज अपडेट कीजिएगा स्कोर। दो ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर हुआ है 10
बहुत ही धीमी शुरुआत है राहुल, जब आप 41 के लक्ष्य को चेज कर रहे होते हैं, थोड़ा कुछ करना होगा बल्लेबाजी टीम को, कुछ स्ट्रोक्स दिखाने होंगे यहाँ पे। जबरदस्त फील्डिंग कर रहा है यहाँ पे नन्ना मुन्ना बच्चा कबीर। बढ़िया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पे, क्या बात है। रोशन रेड्डी मुस्तैद है राहुल बाउंड्री लाइन पे। जबरदस्त थ्रो मारा है लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शार्प माइंड से खेल रहे हैं। बढ़िया शॉट वहां पे, एक और सिंगल, अच्छी ट्राई की वहां पे कबीर ने। क्या बात, अच्छा शॉट वहां पे। एक बार फिर कबीर ने बॉल को कलेक्ट किया। राहुल आप इस बच्चे को देख सकते हैं, पूरे के पूरे गुण है इसमें, पिताश्री के शुभम जी का लड़का है ये, अच्छी यहाँ पे फील्डिंग कर रहा है। मेरे ख्याल से शुभम से ये बहुत आगे है, शुभम तो एक जगह से हिल नहीं पाता, पर कबीर को देखो आप डाइव मार मार के बॉल पकड़ रहे हैं। शुभम वाकई में आपको कुछ सीखना होगा आपके सुपुत्र से। सही कहा राहुल, जो इस इनकी एज के हिसाब से जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं, सही में तारीफ करनी होगी इनकी समझ की। क्या बात है, किस स्टाइल में देखो फील्डिंग, बहुत ही क्यूट नजारा यहाँ पर, कबीर ने खुश कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा शॉट वहां पे, एक और सिंगल रन, बढ़िया शॉट, और ये कैच हो सकता था।
कोई जरूरत नहीं है ओवर थ्रो की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ओवर थ्रो की, क्योंकि जो बल्लेबाज है साइड इंजरी हुई है वहां पे। मैं चाहता हूं वॉलंटियर्स डॉक्टर्स बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रही है ओवरऑल। वहां पे डीप में भाविया की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फ्लाइटेड गेंद थी, बॉक्सिंग समझ नहीं पाए उसको और अपना विकेट दे बैठे। अंपायर ने रिक्वेस्ट किया प्लीज बाहर से कोई भी डिसीजन नहीं आना चाहिए डगआउट से। एक बार फिर यहां पे नो बॉल का इशारा अंपायर का। अरे आउट, अच्छी गेंद वहां पे, एक और एक और नो बॉल, रन नहीं काउंट होगा इसलिए अगर आपने लिया है तो। यस, एक रन बाद बहुत ही रन आ गया इसलिए। यस सर, ओनली नो बॉल का रन मिलेगा। आराम से। ओह, एक बार यहाँ पे चांस हो सकता था कैच आउट का, अच्छा रोशन रेड्डी का वहां पे ट्राई रन आउट करने का भी। छह बॉल में 10 रन चाहिए राहुल, देखते हैं कौन सी करवट ये गेम चेंज होता है। दोनों ही टीमें जीत सकती है और यहाँ पे पावर्ड बाई क्रोमा का बोर्ड आ चुका है। हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। जबरदस्त, अजीत अजीत अगली गेंद, गुड शॉट, एक सिंगल रन, चार बॉल में आई थिंक 9 रन चाहिए राहुल। बाउंड्रीज ही गेम को बचा सकती है। अच्छा स्ट्रोक, एक एक रन से कुछ नहीं होने वाला है अभी। बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन भी ले
बैटिंग अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा, एक रन में छह रन की आई थी, एक बॉल छह रन, क्या ये संभव है? मेरी हार्दिक इच्छा थी अगर ये सिक्स लगता बहुत मजा गेम में, फिर भी बहुत ही बढ़िया भव्य, और आप पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस हिसाब से आपने क्रिकेट खेला है। थैंक यू वेरी मच टू एंटरटेनिंग अस।